उसमें एक तो हैं आसिफ हाजमी साहब और दूसरे हैं कमर वहीद नकवी साहब, जिन्होंने उसका शीर्षक दिया। किताब से ज़्यादा उस शीर्षक की चर्चा होती है। अभी राम बहादुर राय जी भी यही कर रहे थे, तो शीर्षक नकवी साहब ने दिया। जब उस समय पूरी किताब भी नहीं उन्होंने पढ़ी थी, जस्ट हमने उसका प्रीफेस बना करके भेजा था, उसको देख करके इन्होंने दे दिया था। उसमें हमने आसिफ भाई ने पूरी पांडुलिपि तैयार की थी। मुझे कुछ आता नहीं है इस बारे में, मैं लेखक नहीं हूँ, मैं कहना चाहता हूँ मैं एक पत्रकार हूँ। अब मैं तो एक गाँव का आदमी, मतलब उस समय हमारा आजमगढ़ जिला था, अभी मऊ जिला हो गया है। हम तो कभी बाहर निकले भी नहीं। जब हाई स्कूल इंटर कॉलेज तक पढ़ते थे तो हमको रेलगाड़ी में चढ़ना भी मतलब लगता था कहाँ जा रहे हैं। देश की बात तो कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अब संजोग ऐसा बना, पत्रकारिता के पेशे में आ गए, आपको किताब में मिल जाएगा पढ़ने को, तो फिर घूमने निकले तो फिर घूमते ही रह गए। अब इस देश में शायद नॉर्थ ईस्ट के एक दो राज्य मिजोरम और अरुणाचल को छोड़ दिया जाए तो पूरे हिंदुस्तान में शायद कोई भी राज्य नहीं होगा जहां मैं नहीं गया हूँगा, और सघन रूप से जाकर के वहाँ काम किया होगा, मैंने काम किया है। फिर विदेश यात्राओं का है, पहली बार इंडियन एयरलाइंस की तरफ से आया कि साहब वो इनॉग्रल फ्लाइट जा रही है दुबई, तो उसमें आपको चलना है। अरे तो बड़ा गजब है, पत्रकारिता में भी होता है क्या? तो फिर मैं गया वहाँ, देख जा करके आया, जो देखा समझा उस पर कुछ लिखा भी। इसके बाद जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति भवन बहुत ही नीरस बीट मानी जाती है पत्रकारों के लिए। फिर राष्ट्रपति भवन में कभी कोई फंक्शन होगा, कभी कैबिनेट का गठन या पुनर्गठन होगा, तो उसके अलावा तो कोई खबर वबर निकलती नहीं थी। लेकिन हम जाते थे लगातार, रेगुलर जा करके करते थे। तो एक बार जब कलाम साहब राष्ट्रपति बने तो पहली जो उनकी विदेश यात्रा थी एक राष्ट्रपति के रूप में, अबू धाबी, दुबई, सूडान और बल्गारिया, तो उसमें मेरा नाम आ गया कि साहब आपको चलना है हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान अखबार की तरफ से। मैं बड़ा खुशी हुई कि तो साहब कलाम साहब के बारे में बहुत सुनता था, जानता था, मतलब पढ़ता था, एक बार उनसे मिलने का या उनके साथ जाने का मौका मिलेगा, तो हम चले गए। अब आपसे मैं छोटा सा बताऊंगा मुख्तसर में। हम लोग अबू धाबी, मतलब माना जाता था कि राष्ट्रपति के साथ जाना, प्रधानमंत्री के साथ जाना है, काफ़ी दौड़ना धूपना पड़ता था। लेकिन राष्ट्रपति के साथ जाना मैंने प्लेजर ट्रिप है, जाके आराम से आराम कीजिए, घूमिए टहलिए, खाइए पीजिए और लौट आइए। लेकिन पहले दिन जब हम लोग गए अबू धाबी गए तो हम लोग तो अपने होटल में पहुंच गए, लेकिन कलाम साहब का पता पता नहीं था। रात को 12-1 बजे तक उनका कोई पता नहीं था। सुबह जो हमने पूछा सर, तो उन्होंने कहा कि नो, तो मैं एयरपोर्ट से चला गया था, एक वहाँ डिसेलिनेशन प्लांट है, वहाँ पे खारे पानी को पीने योग्य बनाते हैं, तो मैं चला गया था उसको देखने के लिए। तो रात के 12-1 बजे तक मैं वहीं देखता रहा। मैं गजब आदमी है भाई, ऐसा तो राष्ट्रपति कभी सोचा भी नहीं था, सबने भी नहीं सोचा था कि ये आदमी आएगा, सब लोग स्वागत किए, सब कुछ कर आराम करेगा, फिर अपना प्रोग्राम चलाएगा। उसके बाद मैंने तय कर लिया कि नहीं, यहाँ कुछ अद्भुत और होने वाला है। तो मैं बहुत नोटिंग्स जो है लेना शुरू कर दिया बड़े करीने के साथ, और फिर उस देश के बारे में, समाज के बारे में, इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, उन जहाँ जहाँ गया उन देशों के बारे में मैं लिखता गया। अब पता नहीं, हिंदी तो नहीं पढ़ते थे, लेकिन हिंदी का अनुवाद इंग्लिश में करवा करके हो सकता है उनके सामने रखा जाता होगा। तो जो अगली ट्रिप उनकी बनी, मैं शायद अकेला ही खुश नसीब रहा हूँगा जिसको अगली ट्रिप में भी मौका मिल गया राष्ट्रपति के, नहीं तो बाकी अखबारों से लोग जाते ही रहते हैं। और साथ उनकी तरफ से कहा गया कि जयशंकर गुप्ता मस्ट टेक अपनी ट्रस्ट, तो साहब उसमें हम लोग गए, रूस में मास्को गए, ये सेंट पीटर्सबर्ग गए, फिर स्विट्जरलैंड गए, आइसलैंड गए और यूक्रेन गए। वो यूक्रेन उस समय फोरकास्ट किया था, लिखा आपको शायद किताबें मिलेगा, कि जो जिस ढंग से उसने विकास किया है अपना प्रेस्टोरिका के बाद और ग्लासनोस्ट के बाद, और अकेले सावरन कंट्री के रूप में जो खड़ा हो रहा है, यूरेनियम के जो भंडार हैं उसको देख करके, और रूस के साथ जो उसकी अनबन चल रही है अंदर, तो वो आगे विस्फोटक भी हो सकती है। तो वो इनके साथ हो गई यात्रा। आप सोचिए, कल्पना करिए, जैसे अभी नकवी जी ने बताया ना कि जो मोती चुनने का काम करते थे लोग, एक वहाँ पे जो अलबुर्ज होटल है उसके सभागार में मीटिंग हो रही थी दुबई चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साथ। कलाम साहब बोलते बोलते उन्होंने कहा कि साहब, जैसा इन्होंने बताया कि क्या था यहाँ अबू धाबी या दुबई में क्या था,
रेगिस्तान थे, लेकिन दो शेख ऐसा मिले जिन्होंने पहचाना कि नहीं यहाँ पे तेल जो है उसको हम लोग एक्सप्लोर करके काफी बढ़ सकते हैं। तो तेल की गुनामी चल गई, डॉलर पेट्रो डॉलर आ गया। लेकिन ये पेट्रो डॉलर लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये तो खत्म हो जाएगा। तो कलाम साहब ने कहा कि थिंक अबाउट सन, फिर कहा कि नहीं सन, सन की भी ऊर्जा भी है, वो भी अक्षुण्य नहीं है। हालांकि चिंता मत कीजिए, अभी कई हजार साल लगेंगे जो उसको खत्म होने में, ऐसा उन्होंने कहा। तो कहा, फिर कहा कि नहीं लेकिन ऐसा क्या है जो कभी खत्म नहीं होगा? तो उन्होंने कहा कि वो है नॉलेज, ज्ञान है जो कभी खत्म नहीं होगा। और वी हैव नॉलेज, यू हैव वेल्थ, बोथ कैन मेक बेटर वर्ल्ड। इतनी तालियां बजी, जो दुबई के शेख लोग थे इतनी तालियां बजी उस बात से लेकर के। और उसी के बाद से डिसैलिनेशन प्लांट का काम, उसको भी उन्होंने बताया था कि आपका जो है वो थोड़ा महंगा पड़ रहा है, इसको अगर सोलर एनर्जी से लेंगे तो काफी अच्छा होगा। तो इस तरह का रहा। इसी तरह से फिर एक बार हुआ कि साहब अमेरिका जाने का निमंत्रण मिल गया, तो अमेरिका चले गए। अमेरिका को भी देखा समझा, उसको भी अपने हिसाब से मैंने लिखना शुरू किया। आइसलैंड के बारे में जब हम गए तो वहाँ 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होती है। जिस समय हम गए उस समय दिन ही दिन था, मतलब हमने हिंदुस्तान अखबार में लिखा था आधी रात का सूरज, मतलब आधी रात को हम समुद्र के किनारे टहल रहे थे और सूर्य एकदम सर पे खड़ा था। तो वो सारी चीज़ें, फिर वहाँ का जो सामाजिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में वो सारी बातें थी। उसी समय जब मैं कभी अपने तकरीर में कहता भी हूँ कि हम पूछे लोगों से कि साहब यहाँ अखबार नहीं पढ़ते हैं लोग, क्या टीवी में कोई न्यूज नहीं आती है क्या? उनका नहीं साहब आती है, एक न्यूज आती है जो सब लोग देखते हैं। हमने कहा क्या होती है? रात में 9 बजे तो कहा नेकेड न्यूज होती है। नेकेड न्यूज क्या है? हर न्यूज ब्रेक के बाद एंकर लेडी एक कपड़ा उतार देती है और न्यूज आइटम खत्म होते होते पूरी तरह से निर्वस्त्र हो जाती है। साथियों, जिस समय की बात कर रहा हूं मैं, उस समय आइसलैंड पर कैपिटा इनकम के मामले में दुनिया में नंबर 1 था। उसके बाद जब दुनिया भर में आर्थिक मंदी का दौर चला तो सबसे पहले एज ए नेशन दिवालिया होने वाले देश का नाम था आइसलैंड। क्यों? क्योंकि लोग टेलीविजन पे नंगी लड़कियां देखते रह गए, नेकेड न्यूज देखते रह गए। हमारे यहां भी कई बार ऐसा होता है कि हम क्या से क्या हो रहा, हम क्या क्या दिखा रहे हैं अपने टीवी चैनलों पर, क्या दिखा रहे हैं। लंबी बहस हो सकती है, इस पर तो चर्चा नहीं करूंगा मैं। तो उस बार अमेरिका गए, उसके बाद फिर एक मौका मिल गया था कि वो, हम चूंकि बचपन से हमारे हीरो रहे यासर अराफात और फिदेल कास्त्रो, और शेख मुजीब भी थे, तो एक मौका मिल गया कि साहब हमको ग्लोबल मार्च टू जेरूसलम के चलते कि बैनर के नीचे ईरान टर्की और लेबनान जाना है। हम गए, बसों में यात्राएं की, बाल्बो बसों में यात्राएं की, समुद्र में ही यात्राएं की, और एक बार तो लगा कि जान खतरे में ही पड़ गई। लेबनान के बेरूत राजधानी में हमारा पानी का जहाज खड़ा हुआ था, हमारे पासपोर्ट ले लिए गए और हमको वीजा नहीं दिया, जबकि प्रॉमिस किया था कि वीजा आने अराइवल मिलने वाला है। बड़ी समस्या हो गई। 12-18 घंटे तक हम लोग सीट में ही बैठे रह गए, मतलब बेरूत शहर पे हम पैर नहीं रख सकते थे, हम समुद्र में बैठे हैं और चारों तरफ से राइफल स्टेन गन और सारे AK-47 लेकर के घेरे हुए लोग हैं। बहुत समस्या आई। फिर बाद में पता लगा, हमने इंडियन एम्बेसी को फोन करके पता कराया कि भाई बात क्या है। तो उन्होंने कहा कि साहब जो आपके होस्ट थे वो गायब हो गए, तो इसलिए आप लोगों को अब यहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है, आपके देश भेज दिया जाएगा। तो हमने कहा अच्छा। तो मैं क्या सिख में आ गया और सारे लोगों को बुलाया, कई और मुल्कों के लोग भी थे उसमें। तो हमने कहा भाई देखिए, ये हमको पता लगा है और ये हम लोगों को रिपोर्ट करने वाले हैं। तो कुछ लोगों ने कहा साहब बहुत अच्छा हो जाएगा, हम अपने देश चले जाएँ, यहाँ से मरने से अच्छा वहीं मरेंगे। तो हमने कहा नहीं, आप एक बात समझ लीजिए इसको, कि एक बार अगर आपके पासपोर्ट पर डिपोर्टेड का ठप्पा लग जाएगा तो आप पूरी दुनिया के लिए इनवैलिड हो जाएंगे, आप कहीं आ रहे अंदर ले सकेंगे, क्योंकि डिपोर्टेड ये नहीं लिखेगा कि पॉलिटिकल रीजन से हुए हैं। हो सकता है आपने रेप किया होगा वहां, हो सकता है आपने मर्डर किया होगा, हो सकता है डकैती या लूट किया होगा। तो मैंने कहा कि देखिए मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं गांधी लोहिया का आदमी हूं,
मैं मरना कबूल करूंगा, यहीं मरूंगा मैं, और मेरी डेड बॉडी ही मेरे देश जाएगी। या तो फिर अपने मकसद में जाऊंगा मैं, जिस काम के लिए फिलिस्तीन के सपोर्ट में आया हूं तो उसके लिए जाऊंगा, या फिर मेरी डेड बॉडी जाएगी। फिर मैंने थोड़ा बोल तो गया मैं, फिर हमने कहा लेकिन आगे क्या आता है। तो हमने दिल्ली में लोगों को फोन किया और फिर पीटीआई ने खबर चलाई, सीनियर जर्नलिस्ट जयशंकर गुप्ता और ऐसे ऐसे लोग, इतने लोग हैं वहाँ पे होस्ट बना के रखे गए हैं। बात पार्लियामेंट में उठी तो पार्लियामेंट में शायद उस समय मिनिस्टर थे राजीव शुक्ला, उन्होंने कहा कि साहब अगर दो घंटे के अंदर लेबनान गवर्नमेंट वीज़ा नहीं देती है तो हम उसके बारे में सोचेंगे। कुछ ही देर बाद वही इमिग्रेशन के ऑफिसर्स दौड़े दौड़े आए, उनके साथ सारे वो बंदूक धारी थे। तो हुई जयशंकर गुप्ता, मैंने कहा मैं हूँ, मुझे मारो पहले। नो नो सर, नो नो, वी हैव ग्रांटेड यू वीज़ा। और उसके बाद जो रेड कार्पेट बिछा करके ले गए, फाइव स्टार होटल में ठहराया, फिर सारा का सारा होते एक अलग कहानी हो गई। तो लेकिन उसमें लेबनान के बारे में जब हम लिखते हैं, आप उसको पढ़िएगा, अद्भुत, मतलब रोज तो वहाँ बम धमाके होते हैं, सारा कुछ है, हमास और ये सब बातें हैं, हिजबुल्ला का वहाँ पे है, इसराइल के हमले भी होते रहते हैं, लेकिन वहाँ का डेमोक्रेसी अजीबोगरीब है। इतना बढ़िया डेमोक्रेसी, वहाँ मुस्लिम्स का भी है, क्रिश्चियंस का भी है, सभी लोगों का मिला जुला बना हुआ कि किसका राष्ट्रपति होगा, किसका लोकसभा अध्यक्ष होगा, किसका प्राइम मिनिस्टर होगा, बकायदे चुनाव के साथ उनकी सीटें बढ़ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको किताब अगर आप देखेंगे खोल करके, तो उसमें एक एक बार की, मतलब देखिए हम तो किताब लिखने के हिसाब से लिखने गए थे,